आज के इस वीडियो सेशन में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अच्छे से समझने के लिए हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। डोमेन रेंज, डोमेन कहूँ तो मैं प्रिंसिपल ब्रांच जिसका हम बाद में यूज़ करेंगे, ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। और ये चीज़ें क्लियर होने से पहले आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं ये पता होना चाहिए, उनके डोमेन और रेंज क्या होते हैं, कोडोमेन क्या होते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आ रही है तो फिर ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट जनरली क्या होता है कि हम रट लेते हैं, हम टेबल याद कर लेते हैं और उस तरीके से हम इसको चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम इसको समझे तो हमारा कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो सकता है। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो कि हम रट के चलते हैं, पूरा चैप्टर रट लेते हैं, लेकिन कहीं पर भी अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो उस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, वो कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत ज़रूरी है। जब हम पढ़ ही रहे तो हमको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ताकि जब आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है तो पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ही समझाऊंगा और कॉन्सेप्चुअल चीज़ों से आप क्लियर करने की कोशिश करना कि ये किस तरीके से चलता है, क्या क्या कैसे फंक्शन बनते हैं, कैसे इनवर्स फंक्शन बनते हैं, कैसे डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं ये आपको पता अच्छे से हो जाना चाहिए। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, बेसिक फंक्शन होते हैं साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स, ये सारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आपके पास साइन एक्स इंटू कॉस एक्स भी होता है या साइन एक्स बाई साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स समथिंग, ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये आपके पास, ये छः ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इस फंक्शन की हेल्प से आप बहुत सारे फंक्शन बना सकते हैं। कुछ फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक और कुछ और फंक्शन से मिलकर बने होते हैं, जैसे ई पावर साइन एक्स है तो ये एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों है। तो बेसिकली हम छः ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स के बारे में बात करेंगे और ये चैप्टर हमारे पास ऑलमोस्ट इन्हीं सब चीज़ों तक रिलेटेड है, इन छः फंक्शन बेसिक फंक्शन के इनवर्स तक ही रिलेटेड है। तो अब जब हम इनवर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इनवर्स फंक्शन क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। आपको पता होगा कि अगर आपके पास कोई फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है, या मैं थ्री और रख देता हूँ, सपोज ये f है, तो इस f का डोमेन क्या हो गया, ये फंक्शन का डोमेन आपके पास हो जाता है पहला वाला सेट दैट इज ab। कोडोमेन क्या होता है, दूसरा वाला सेट 1 2 3, और रेंज क्या होता है 1 2। अब आपको ये चीज़ क्लियरली समझ में आ गई कि रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है और जिन जिन एलिमेंट का प्री इमेज है वही रेंज में आता है। जैसे वन का प्री इमेज ए है तो वो रेंज के अंदर आएगा, टू का प्री इमेज बी है तो वो रेंज के अंदर आएगा, थ्री का कोई प्री इमेज नहीं है इसलिए वो रेंज के अंदर नहीं आएगा। ये तो किसी फंक्शन का एग्जांपल हो गया। अब जब हमें वन वन, क्योंकि फंक्शन किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं भी कर सकता है, इनवर्स एग्जिस्ट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, अब इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, उसकी कंडीशन क्या है, उसकी कंडीशन है कि वो फंक्शन आपके पास 1 1 और ऑन 2 हो। अगर फंक्शन आपके पास 1 1 और ऑन 2 है तो फिर उसका इनवर्स 100% एग्जिस्ट करेगा। अब वो कैसे करेगा इसको देखते हैं। जैसे कि ये फंक्शन आपके पास 1 1 है, ए बी 1 2, ये फंक्शन आपके पास है और इस फंक्शन में आप क्लियरली अगर 1 1 ऑन 2 फंक्शन आपको बहुत अच्छे से आते हैं तो आपको पता होगा कि ये फंक्शन आपके पास 1 1 एंड ऑन 2 है। अब 1 1 एंड ऑन 2 है तो इसका इनवर्स में आपको कुछ ही नहीं करना है, आप इसमें जो रेंज है, ये रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल होते हैं, ऑन 2 का बनता है
जब कोडोमेन इक्वल्स टू आपके पास रेंज बन जाए। तो जब भी मैं ऑन टू फंक्शन बोल रहा हूँ इसका मतलब कोडोमेन या रेंज दोनों टर्म बोल रहा हूँ तो दोनों इक्वली होंगे। तो आपको इन दोनों सेट को एक्सचेंज कर लेना है। एक्सचेंज करेंगे तो आपके पास ए बी वन का इमेज इस पे जाएगा, ये इसका इस पे जाएगा, तो ये आपके पास एफ इनवर्स बन गया। तो एफ इनवर्स किस तरीके से निकाला जाता है, रेंज और डोमेन को एक्सचेंज करके जो फंक्शन बनता है, प्री इमेज को इमेज में कन्वर्ट कर लेते हैं तो जो फंक्शन हमारे पास आता है वो फंक्शन हमारे पास क्या होता है, इन्वर्स फंक्शन होता है। अब कई केसेस में इन्वर्स फंक्शन डिफाइन नहीं किया जा सकता, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखा है ए बी सी, इस फंक्शन का इन्वर्स डिफाइन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। और ऑन टू क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ के सी का प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता है, सी का प्री इमेज यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर प्री इमेज एग्जिस्ट करता तो वो ऑन टू फंक्शन बन जाता है। तो इसको ऑन टू बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी कोडोमेन को रेंज में कन्वर्ट कर लेते हैं। कोडोमेन को चेंज करके रेंज में, मतलब कोडोमेन के वो पॉइंट्स अगर हम हटा लें जिससे ऑन टू में दिक्कत होती है, तो ये फंक्शन फिर हमारे पास वन वन ऑन टू बन सकता है। अब देखिए मैंने यहाँ से सी को रिमूव कर दिया, तो सी को रिमूव करने से क्या हुआ, ये जो फंक्शन हमारे पास है वन वन ऑन टू हो गया। और जब भी वन वन ऑन टू हो गया तो इसका इन्वर्स डिफाइन किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्या इम्प्रूवमेंट किया, मैंने कोडोमेन को रेंज में तब्दील किया। तो सबसे पहला स्टेप तो आपको ये है कि जब भी आप वन वन ऑन टू फंक्शन बनाने की सोच रहे हैं तो कोडोमेन को आप रिप्लेस कीजिए रेंज से। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। एंड द सेकेंड स्टेप क्या है उसको समझने के लिए आपको एक दूसरा फंक्शन लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सपोज आपके पास 1 2 3 4 और दूसरा फंक्शन ए बी सी, और ये फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन है एफ। अब इसको वन वन ऑन टू, ये फंक्शन नाइदर वन वन नॉर ऑन टू है। तो सबसे पहले तो आप सी को रिमूव कीजिए क्योंकि ऑन टू में दिक्कत कर रहा है। तो मतलब हम रिप्लेस कर रहे हैं 1 2 3 4 ए बी। फर्स्ट स्टेप तो हमारा क्या है, इसको ऑन टू बनाना। ऑन टू बनाने का मतलब ये है कि हम कोडोमेन को रेंज में चेंज कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हम ये यहाँ पे देखो, एक हम चाहते हैं कि रेंज के हर एक पॉइंट का एक ही प्रीमेज हो। वन वन का मतलब क्या है कि रेंज के जितने सारे भी एलिमेंट है उसके हर एक एलिमेंट का एक ही प्रीमेज हो। तो यहाँ पे ए के प्रीमेज कितने आ रहे हैं, 1 एंड 2। बी के प्रीमेज कितने आ रहे, 3 एंड 4। तो हमको यहाँ से एक ही प्रीमेज रखना है, जैसे कि 1 और 2 में से आपको एक हटाना पड़ेगा। सपोज मैं 2 हटा दिया, बी के प्रीमेज दो 3 और 4, तो इसमें से एक एलिमेंट को हटाना पड़ेगा 3, 4 को हटा लिया तो मेरे पास बचा 3। तो अब ये फंक्शन क्या है, तो आपने 2 और 4 इन दो पॉइंट्स को हटा लिया आपने, तो आपके पास क्या बचा, 1 एंड 3। इधर आपने सी ऑलरेडी हटा दिया तो ए बी, ए का इमेज इस पे जा रहा है, बी का इमेज इस पे जा रहा है। अब ये फंक्शन आपके पास 1 1 ऑन 2 हो गया। अब इस केस के अंदर आप इसका इन्वर्स फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली दो स्टेप, तो जब भी आपको कोडोमेन से आपको पहला स्टेप तो रेंज में लाना है, रेंज तक ही फंक्शन को देखना, इसके फंक्शन के बिहेवियर में कुछ भी चेंज नहीं होता। दूसरा काम जो हम करते हैं 2 और 4 को हटाए, इसको हम बोलते हैं कि डोमेन को हम रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डोमेन को हम रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, और डोमेन के रेस्ट्रिक्ट करने से फंक्शन 1 1 बन जाता है। और जब 1 1 बन जाता है तो ऑन टू ऑलरेडी बन गया है, तो 1 1 ऑन टू हो गया, और उस केस में उसका इन्वर्स फंक्शन डिफाइन किया जा सकता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाए। ए बी सी, अब ये देखिए फंक्शन, ए के प्रीमेज हमारे पास 3 है, 3 प्रीमेज हमारे पास यहाँ पे, ए के कितने प्रीमेज, 3, बी का ओनली 1, सी के 2 प्रीमेज है। तो ए का प्रीमेज आपके पास 1 2 3, बी का प्रीमेज आपके पास 1, सी का प्रीमेज आपके पास 2 एलिमेंट है 5 और 6। हमें क्या करना है, 1 1 जब भी बनाना है तो हमें एक ही प्रीमेज चाहिए। तो सबसे पहले 2 3 में से 1 2 3 में से किसी भी 2 को उठाना, तो मैं बेसिकली 2 और
टू और थ्री को हटा रहा हूँ, बी का तो एक ही है, फाइव और सिक्स में से इसको हटा रहा हूँ, मतलब ये फंक्शन मेरा क्या बन गया, वन फोर फाइव ए बी सी। अब ये फंक्शन आपके पास, इस फंक्शन को आपने सिर्फ रेस्ट्रिक्ट किया। जनरली हम क्या लिखते हैं, रेस्ट्रिक्ट करने वाले फंक्शन का एक अलग नोटेशन जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको इस तरीके से लिखा देगा कि फंक्शन पहले वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पर डिफाइन था, लेकिन आपने इसको रेस्ट्रिक्ट करके किया है वन फोर फाइव तक। तो ये रेस्ट्रिक्शन का नोटेशन है कि आपने इसको रेस्ट्रिक्ट कर लिया है। तो जनरली हम ये क्लास ट्वेल्थ में हम यूज़ नहीं करेंगे, हम जनरली इसको फंक्शन ही कंसिडर करेंगे। ये जो स्टेप मैंने लिखा है ये रेस्ट्रिक्ट वाली कंडीशन लिखेंगे नहीं, लेकिन वो रेस्ट्रिक्ट होता है। हमें फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए उसको वन वन ऑन टू बनाना पड़ता है, और जब भी हमें वन वन ऑन टू बनाना पड़ता है तो उस फंक्शन को हमें रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने फंक्शन के रेस्ट्रिक्शन को हमने सीखा है, और ये फंक्शन आपके लिए ये बहुत जरूरी है इस चीज़ को समझना कि इन्वर्स फंक्शन किस तरीके से रेस्ट्रिक्ट किए जाते हैं। अब हम बेसिकली साइन फंक्शन पे आते हैं कि साइन किस तरीके से आपके पास बिहेव करता है और साइन फंक्शन में क्या दिक्कत है। देखो साइन जो फंक्शन होता है उसका डोमेन होता है रियल नंबर, और रेंज जो होता है वो भी रियल नंबर है ना। ये जो आर सेकंड टाइप में मैंने यहाँ पर लिखा वो आपके पास साइन फंक्शन का रेंज है, और ये तो डोमेन आपके पास साइन फंक्शन का डोमेन है। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। सबसे पहले इसको अब जब वन वन ओ टू बनाना, तो पहला स्टेप तो हमारे पास बिना हम देखे इसको आर से हम इसको रेंज में कन्वर्ट करेंगे, कि इसको डोमेन को हटाएंगे और रेंज तक लेके आएंगे। और साइन फंक्शन का अगर आपको पता हो और इलेवन क्लास से आपने देखा है, तो जो साइन का रेंज होता है वो माइनस वन से वन के बीच का क्लोज इंटरवल होता है, दैट इज आर से माइनस वन से वन। अभी माइनस वन से वन कैसे आता है, साइन एक्स जो डिफाइन होता है वो हमेशा आपको पता परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, और किसी भी ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेनियस जो होता है वो हमेशा बड़ा ही रहेगा पी से, पी से हमेशा ही बड़ा रहेगा। तो डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा तो इस फ्रैक्शन का वैल्यू मोस्ट प्रोबेबली इक्वल टू वन आ सकता है और वन से छोटा रहेगा। सिमिलरली नेगेटिव वाले नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ओर बढ़ते हैं, और जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम बनाते हैं तो हम यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव सारी चीज़ें लेते हैं, इसलिए इसका माइनस वन से लगा के वन तक इसका वैल्यू होता है। सिमिलरली कोसेक्स एक्स का रेंज भी आपके पास माइनस वन से वन होता है। तो पहला स्टेप तो आप उस फंक्शन साइन एक्स का इन्वर्स ढूंढने के लिए पहला तो काम आपने ये कर लिया। अब आपको डोमेन को रेस्ट्रिक्ट और करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन जो है वन वन नहीं है। और फंक्शन वन वन किस लिए नहीं है, कि अगर आपको पता है कि साइन पाई बाई टू का वैल्यू भी कितना होता है वन, साइन थ्री पाई बाई टू का वैल्यू भी कितना होता है वो भी वन, तो पाई बाई टू और थ्री पाई बाई टू में से किसी एक को रखने की जरूरत है। मैंने तो यहाँ पे दो एलिमेंट लिखे, अगर आप साइन और भी फाइव पाई बाई टू या थ्री पाई बाई टू, जैसे कि साइन पाई है, साइन पाई का वैल्यू कितना था जीरो आता, साइन जीरो का वैल्यू कितना था वो भी जीरो आता, साइन टू पाई का वैल्यू कितना था वो भी जीरो आता, साइन थ्री पाई का वैल्यू कितना था वो भी जीरो आता। तो इतने सारे पॉइंट्स में से हमको सिर्फ एक पॉइंट रखने की जरूरत है, क्योंकि पाई जीरो टू पाई थ्री पाई और ऐसे इन्फाइनाइट तक चलते रहेंगे, और नेगेटिव में भी अगर हम चलेंगे तो रियल नंबर में तो सारे एग्जिस्ट करते हैं, सारे एग्जिस्ट करते हैं, तो उसमें से सिर्फ एक वैल्यू हमको चूज करना है। अब वो एक वैल्यू हम कैसे चूज करेंगे, क्योंकि हमें बाकी के फंक्शन को भी ध्यान में रखना है। एंड साइन एक्स के बारे में इसकी कहानी क्या है, साइन एक्स फंक्शन को हमें समझना पड़ेगा। हमने इसका डोमेन क्या डिसाइड किया, रियल नंबर, और इसका रेंज हमारे पास क्या होता है माइनस वन से वन के बीच होता है। अब इसी पर इसके फंक्शन को समझ, ग्राफ को अगर हम समझ लेंगे, तो ग्राफ को अगर हमने समझ लिया तो फिर हमारा काम हो जाएगा। तो मैं ग्राफ बनाता हूँ, थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि मैं थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से बना रहा हूँ। ओके, ये लाइन है, ग्राफ आपको ऑलरेडी पता होगा। तो देखिए इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, थोड़ा ग्राफ सही नहीं बनेगा लेकिन आप फील कर लेना कि ग्राफ किस तरीके से चल रहा है। आपने फिजिक्स में भी इसका ग्राफ देखा होगा, कई जगह बनाते हैं या बनाया नहीं है तो भी फिजिक्स में आने वाला है। ये इस तरीके से चलता है, देखो ये सबसे पहले क्या कि जीरो से जब थीटा का वैल्यू जीरो होता है, साइन एक्स एक्स का वैल्यू अगर जीरो होता है तो आपके पास वैल्यू जीरो होती है, एक्स का वैल्यू जब भी पाई बाई टू होता है तो आपके पास वन तक चला जाता है, एक्स का वैल्यू पाई होता तो फिर जीरो आ जाता है, एक्स का वैल्यू थ्री पाई बाई टू आता तो माइनस वन आ जाता है, फिर टू पाई आता तो जीरो आ जाता है, फिर आपके पास यहाँ पे इस तरीके से चलता रहता है।
तो हम रेंज रेंज के बारे में हमने कहा कि माइनस वन से ऊपर, माइनस वन और वन के बीच में होता है, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो ग्राफ है वो उस ग्राफ में y की वैल्यू माइनस वन और वन इसी के बीच में ग्राफ चलता है, इसीलिए इसका जो रेंज है माइनस वन से वन के बीच में। लेकिन अब आप एक सवाल मुझसे ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि इसको जब वन वन बनाना है तो हम रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे, और रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश का मतलब क्या है कि देखो ये वैल्यू जिसकी वैल्यू पाई बाई टू है, पाई बाई टू की वैल्यू यहाँ पर आ रही है वन, ये वैल्यू है टू पाई प्लस पाई बाई टू, जिसको हम कैलकुलेट करेंगे तो फोर फाइव फाइव बाई टू है, इसकी वैल्यू भी आपके पास आ रही वन, तो इन दोनों में से हमको एक चाहिए। सिमिलरली इसमें यहाँ पर एक वैल्यू पॉइंट और है जिसकी वैल्यू भी वन आ रही है, यहाँ पर और भी एक आगे चलने पर एक पॉइंट और आएगा तो उसकी वैल्यू भी वन आ रही है, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हमारे पास आ रहे हैं जिनका वैल्यू वन आ रहा है। इसी तरीके से इतनी सी हाइट वाले पॉइंट भी बहुत सारे हैं, ये पॉइंट हो गया तो इसकी हाइट जितनी, ये वाला पॉइंट हो गया, फिर ये वाला पॉइंट हो गया, तो जिनकी हाइट इक्वल है और उनकी जो प्री इमेजेस है उन प्री इमेजेस में हमको सिर्फ एक पॉइंट लेना है। तो बेसिकली अगर हम देखिए यहाँ पे ये वैल्यू है माइनस पाई बाई टू और ये वैल्यू पाई बाई टू, अगर हम डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करें रियल नंबर में से, सिर्फ हम माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में ही ले, तो यहाँ पे पहली चीज़ तो आप ये नोटिस करो कि माइनस वन से वन की सारी वैल्यूज कवर हो जाएगी, क्योंकि माइनस वन यहाँ पे हो रहा है, वन वहाँ पे हो रहा है, तो सारी की सारी वैल्यूज आपके पास कवर तो हो जाएगी। अब कवर होने के साथ साथ आप एक चीज़ ये भी नोटिस कर सकते हैं कि इसमें से माइनस पाई से पाई बाई, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक अगर हम चलेंगे तो एक भी वैल्यू, एक भी पॉइंट पर वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, इसका मतलब वन वन भी बन रहा है और रेंज के सारे पॉइंट भी कवर हो रहे हैं। तो हम इस आर को रेस्ट्रिक्ट करके कुछ नहीं कर रहे, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक हम इसको लेना चाहते हैं। जब ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक ले लेंगे तो आपके पास फंक्शन ऑन टू तो ऑलरेडी बना हुआ है, और ये लेने की वजह से फंक्शन वन वन भी बन जाएगा, और उस केस में हम इसका इन्वर्स फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। अब कोई स्टूडेंट मेरे से ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि यार सर यहाँ पे जो पाई बाई टू है, अगर पाई बाई टू से लेके यहाँ थ्री पाई बाई टू तक भी हम लें तो भी सेम कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सेम कंडीशन का मतलब क्या है कि फंक्शन वन वन ऑन टू बन रहा है, किसी भी दो पॉइंट की हाइट सेम नहीं है, दैट इज़ वन वन है, ऑन टू वाली कंडीशन ऑफकोर्स माइनस वन से वन के बीच में सेटिस्फाई हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल हम ले सकते हैं, हमारी इच्छा है तो हम इसको पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू भी हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये रेस्ट्रिक्ट करके ये भी रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो ये रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो थ्री पाई बाई टू से लेके फाइव पाई बाई टू तक ले सकते हैं, या फिर आप नेगेटिव में भी ले सकते हैं, यहाँ से माइनस पाई बाई टू से ये माइनस पाई माइनस थ्री पाई बाई टू, आप चाहे तो माइनस पाई बाई टू से माइनस थ्री पाई बाई टू भी चूज कर सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री है चूज करने में, आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब इतनी सारी ब्रांचेज, इनको हम ब्रांच बोलेंगे, एक वन ब्रांच है, दूसरा ब्रांच है, तीसरा ब्रांच है, चौथा ब्रांच है, बहुत सारी ब्रांचेज यहाँ पे चूज की जा सकती है। मतलब फंक्शन को रेस्ट्रिक्ट करने के तरीके हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे कि हमने उस फंक्शन में किया था, अगर आपको पता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स था, यहाँ की इमेज वन थी, इन तीन पॉइंट्स की इमेज वन की जा रही थी, ए का प्री इमेज कौन कौन आता है, वन टू थ्री, तो अब इसमें से एक को रखना है तो आप ए को वन पर रख सकते हैं, ये चूज कर सकते हैं, या फिर ए को टू पर ये चूज कर सकते हैं, ए की थ्री पर, आप ये तीनों में से कोई सा भी चूज करने के लिए आप बिल्कुल फ्री है, ऐसा नहीं कि हम ये चूज करेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं, उसमें से आप कोई एक ब्रांच चूज कर लीजिए, एक ब्रांच अगर आप चूज करेंगे तो वो फंक्शन आपके पास वन वन ऑन टू बनेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आप ये ब्रांच चूज करेंगे तो ये ब्रांचेस बहुत सारे लोगों ने चूज कर रखी है, बुक्स में ये चूज कर रखी है और इसका नाम दे रखा है कि अगर आप ये ब्रांच अगर आप चूज कर लेते तो आपके पास उसका नाम हो जाएगा प्रिंसिपल ब्रांच। क्या नाम रखा हमने, प्रिंसिपल ब्रांच, क्योंकि एक ही ब्रांच प्रिंसिपल का स्पेलिंग आपके पास प्रिंसिपल ऐसा आएगा, प्रिंसिपल ब्रांच है। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो उसका ब्रांच क्या आता है, प्रिंसिपल ब्रांच नाम दे दिया, या प्रिंसिपल वैल्यू। बाकी सारी भी ब्रांचेस आप चूज करने के लिए बिल्कुल फ्री है। तो जब भी आपको देखो, आप साइन इनवर्स के फंक्शन को हम किस तरीके से लिखेंगे, साइन एक्स है, इसके इनवर्स फंक्शन को हम नोटेशनली लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो अब साइन इनवर्स एक्स अगर फंक्शन है तो वो कहाँ से कहाँ डिफाइन हो रहा है, प्रिंसिपल ब्रांच के वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये फंक्शन आपके पास डिफाइन हो रहा है माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू, और यहाँ से लेके माइनस वन से वन तक आपके पास फंक्शन डिफाइन हो रहा है साइन इनवर्स एक्स।
तो माइनस ये पाई बाई टू से लेके माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक कोई भी वैल्यू पुट करे साइन इनवर्स एक्स फंक्शन में, तो हमारी वैल्यू कहाँ मिलेगी? माइनस वन से, सॉरी ये थोड़ा हमने उल्टा कर लिया है, माइनस वन से वन साइन इनवर्स फंक्शन, क्योंकि साइन एक्स कहाँ डिफाइन है? साइन एक्स आपके पास डिफाइन है आर से, जिसको हमने रेस्ट्रिक्ट किया पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक, थोड़ा सा बड़ा लिख लेता हूँ, कलर दूसरा चीज करते हैं। साइन एक्स जो आपके पास फंक्शन आया, पहले फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन था? रियल नंबर से माइनस वन से वन, वन वन टू वन टू बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको रेस्ट्रिक्ट किया, रेस्ट्रिक्ट करने के लिए हमने एक ब्रांच चूज की अपनी मर्जी से, जिस जो ब्रांच आपके पास ये है। अब इस फंक्शन का इन्वर्स जब डिफाइन करेंगे तो उसका नोटेशन है साइन इन्वर्स एक्स, तो बस इस पर ये रिप्लेस हो जाएंगे, रेस्ट्रिक्ट करने के बाद इसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा माइनस वन से वन और माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो अब साइन इनवर्स एक्स में इस एक्स की जगह माइनस वन से लेके वन के बीच वाली सारी वैल्यूज रखी जा सकती है, और रखने पर हमें जो वैल्यू मिलेगी माइनस पाई बाई टू से पाई के बीच में वैल्यू मिलेगी। जैसे कि आपको साइन इनवर्स वन का वैल्यू पूछा जाता है, क्योंकि वन इससे बिलोंग करता है तो वन इसमें रखा जा सकता है। तो अब हमको क्या सोचना है, क्योंकि हमने फंक्शन को रेस्ट्रिक्ट किया माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, तो साइन एक्स फंक्शन किस तरीके से था? देखो ये साइन फंक्शन है, इसमें अगर यहाँ पर पाई बाई टू रखते हैं तो पाई बाई टू वैल्यू यहाँ पर क्या निकल कर आ रही? वन। तो इनवर्स फंक्शन में क्या गया, साइन इनवर्स वन का वैल्यू आपके पास निकल के आएगा पाई बाई टू, तो साइन इनवर्स वन का वैल्यू आपके पास हो जाएगा पाई बाई टू। तो इस तरीके से आपके पास इनवर्स फंक्शन काम करता है। हमने किस तरीके से रेस्ट्रिक्ट किया इसको आपको अच्छे से समझना है। तो बेसिकली स्टार्ट कहाँ से करना, आपको तीन चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। एक तो हमने रेस्ट्रिक्ट किस तरीके से किया है, रेस्ट्रिक्ट के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट अगर ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ से आपको अच्छे से पता चल जाएगा। आप ग्राफ को समझने की कोशिश कीजिए, जो एनसीईआरटी में थ्योरी दे रखी है, जितना ग्राफ बना रखा है इनवर्स फंक्शन का, ग्राफ किस तरीके से निकाला जाता है कि वाई इक्वल टू एक्स के में हम मिरर इमेज लेते हैं तो ग्राफ भी हमारे पास निकल कर आया था, फिर उसको रेस्ट्रिक्ट किस तरीके से करते हैं वहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। आप इस वीडियो को देखने के बाद उस चैप्टर की थ्योरी को पढ़ लेना, क्योंकि वो जो थ्योरी देर की वो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में क्वेश्चन मेरे हिसाब से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, लेकिन वो जो चीज़ देर की वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, उसको आपको समझना चाहिए। तो बाकी के फंक्शन में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी सेम चीज़ होगा। फंक्शन का देखो कोडोमेन की तो मैं बात ही नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा सिर्फ रेंज की, क्योंकि कोडोमेन से हम रेंज तक इसलिए पहुँच रहे हैं कि फंक्शन को ऑन टू बनाना है। अब वहाँ से मैं पहुँचूंगा कि रेस्ट्रिक्ट किस तरीके से करते हैं फंक्शन को, और रेस्ट्रिक्ट करने के बाद उनका इन्वर्स किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, इन तीन चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है। तो इसके लिए मैं स्केल निकालूंगा, स्केल से मेरे पास अच्छे से आता है, क्या निकल रहा है? ओके, यहाँ पे स्केल का ऑप्शन अवेलेबल है, इसलिए मैं स्केल से बनाना चाहता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हम रेंज लिख लेते हैं, एक कॉलम और बना लेते हैं, ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहाँ पे उनका ओरिजिनल डोमेन क्या है और यहाँ पे हम उसका रेंज लिखेंगे, और उसका रेस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या है। रेस्ट्रिक्टेड डोमेन देखो बदल सकता है, ये मैं इसकी कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ, कोई रेस्ट्रिक्टेड डोमेन अलग अलग लिख सकता है, लेकिन जो प्रिंसिपल ब्रांच के लिए हम जिस ब्रांच को हम डिनोट कर रहे हैं वहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड किस तरीके से आपके पास होगा उसको हमें समझना है। ये सारी चीज़ें देखो, डोमेन और रेंज तो उसके पास ऑलरेडी है, ये कॉलम मैंने इसलिए बनाया क्योंकि फंक्शन वन 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 टू हो जाए। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन हम लिखेंगे और उसके लिए हम रेड कलर चूज कर लेते हैं। सबसे पहले साइन एक्स फंक्शन है, डोमेन आपको पता है रियल नंबर होता है, रेंज माइनस वन से वन के बीच में होता है। कॉस एक्स जो फंक्शन होता है उसका डोमेन भी रियल नंबर होता है और रेंज जो आता है माइनस वन से वन के बीच में आता है। थर्ड फंक्शन हमारे पास टेन एक्स होता है, टेन एक्स का डोमेन रियल नंबर होता है लेकिन कुछ पॉइंट्स पर ये डिफाइन नहीं होता, जैसे कि पाई बाई टू, आपको पता है तो पाई बाई टू पर वो क्या होता था, इन्फिनिटी हो जाता है। तो इन्फिनिटी वाले पॉइंट्स को हमें निकालना है, उस पॉइंट पर वो डिफाइन है ही नहीं। पाई बाई टू बुलाओ थ्री पाई बाई टू,
फिर माइनस पाई बाई टू, माइनस फाइव पाई बाई टू, इन सारे पॉइंट्स को वो डिफाइन नहीं है, तो इन पॉइंट्स को हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो एक्सक्लूड करने के लिए बस मैं लिख रहा हूँ टू एन प्लस वन पाई बाई टू वेयर एन बिलोंगिंग्स टू जेड। अब ये जो सेट रोस्टर फॉर्म में लिखा है ये सेट कुछ नहीं है ऐसा, माइनस पाई बाई टू ये इस तरीके से चल रहा है, माइनस थ्री पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू, फिर पाई बाई टू, फिर थ्री पाई बाई टू, इस तरीके से हमारे पास चल रहा है। और इसी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखा तो ये ऐसा है। तो टेन एक्स का डोमेन ये हो गया, रेंज क्या निकल के आता है इसका, पूरा का पूरा रियल नंबर निकल के आता है। इसके ग्राफ को भी अगर आप देखेंगे, जब टेन जीरो की वैल्यू हम लेते हैं तो जीरो आती है, टेन नाइन्टी तक पहुँचते हैं तो वो वैल्यू इन्फिनिटी तक पहुँच जाती है, मतलब जीरो से लगा के इन्फिनिटी तक जाती है, इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होता है। इसी तरीके से हम जीरो से लगा के माइनस पाई बाई टू की तरफ चलेंगे तो जीरो से लगा के माइनस में इन्फिनिटी तक वैल्यू जाएगी। तो टेन एक्स का ये हो गया। फिर हमारे पास आएगा कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स का क्या हो जाएगा आर। अब देखो कॉर्टेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉर्टेक्स इक्वल टू होता है कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। और ये फंक्शन कहाँ पे गड़बड़ करेगा, जहाँ पे साइन एक्स जीरो हो जाता है। साइन एक्स जीरो कहाँ पे होता है, जीरो डिग्री पर, पाई डिग्री पर, पाई जीरो एंगल पर, फाइव पर, टू पाई पर, इस तरीके से होता है। तो वो वैल्यू हम निकालेंगे, तो इसको मैं सारी वैल्यूज को निकालने के लिए क्या लिखा मैंने, एन पाई वेयर एन बिलोंगिंग्स टू जेड। और इसका भी रेंज क्या आता है, पूरा का पूरा रियल नंबर निकल के आता है। अब सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स का हमारे पास हो जाएगा वाई कोस वाली कहानी है। सेक एक्स का फॉर्मूला क्या है, वन बाई कॉस एक्स। टेन एक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो टेन एक्स के जो ये पॉइंट हमने निकाले थे कि किस लिए निकाले, क्योंकि कॉस की वजह से, कॉस जहाँ पे जीरो बनता है उन पॉइंट्स को हमने निकाला है। तो सेक एक्स में भी यही कॉस ही दिक्कत करेगा, कॉस एक्स जहाँ पे जीरो होता है उन्हीं पॉइंट को निकालेंगे, मतलब इसका डोमेन भी आपके पास ये ऐसा कैसा आएगा। रियल नंबर में से हमने निकाला टू एन प्लस वन पाई बाई टू एन बिलोंगिंग्स टू जेड। इसका रेंज क्या निकल के आता है, रेंज आता है आर में से माइनस वन से वन, ओपन इंटरवल हम माइनस करते हैं, क्या माइनस करते हैं, इसका रेंज आता आर में से माइनस वन से वन, ओपन इंटरवल माइनस करते हैं। बेसिकली आपको बहुत अच्छे से यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि सेक एक्स का माइनस वन से वन क्यों आता है, क्योंकि देखिए वन सेक एक्स का फॉर्मूला है वन इक्वल टू वन बाई कॉस एक्स। तो जो कॉस एक्स की वैल्यू आपके पास माइनस वन से वन के बीच में होती है, तो माइनस वन अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो वन डिवाइडेड बाई माइनस वन कितना देता है वन, वन अगर रखता हूँ तो वन डिवाइडेड बाई वन वन, मतलब सेक एक्स की वैल्यू माइनस वन और वन हो सकती है। और अगर इस पर कुछ छोटी वैल्यूज रखेंगे, माइनस वन से वन के बीच की वैल्यू रखेंगे, तो वन बाई अगर हमारे पास आएगा तो उसकी वैल्यू आपके पास इनफाइनाइट तक जा सकती है, बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। तो इसीलिए रियल नंबर में से सारी वैल्यू गेन कर सकता है, लेकिन माइनस वन से वन के जो बीच में वैल्यू है वो वैल्यू सेक एक्स की वैल्यू नहीं हो सकती। कॉस एक्स एक्स की कहानी भी सेम है, कॉस एक्स एक्स कहाँ पर दिक्कत करता है, साइन एक्स पर, क्योंकि कॉस एक्स एक्स का फॉर्मूला क्या है, वन बाई साइन एक्स। तो वन बाई साइन एक्स कहाँ पर हमारे पास दिक्कत करेगा, जहाँ पे साइन एक्स जीरो है, और साइन एक्स जीरो, साइन एक्स और कोटेक्स की कहानी सेम है, क्योंकि कोटेक्स का भी नीचे डिनोमिनेटर में साइन एक्स आता है, कॉसेक एक्स का भी डिनोमिनेटर में साइन एक्स आता है, तो ये भी वहाँ पे ही दिक्कत करेगा। तो इसीलिए इसका जो डोमेन होगा वो एन पाई वेयर एन बिलोंगिंग्स टू जेड, जेड का मतलब क्या है, इंटीजर। और ये भी आपके पास रेंज क्या देगा, आर में से माइनस वन से वन। तो ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज होगी। अब ये मैं जो नया कॉलम बना रखा हूँ रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, अब ये हमको फिल करना है। और रेस्ट्रिक्टेड डोमेन को जब हम फिल करेंगे तो हमको ये जरूर देखना पड़ेगा कि हम रेस्ट्रिक्ट कैसे कर रहे हैं। तो अभी साइन एक्स को हमने जो रेस्ट्रिक्ट किया वो रेस्ट्रिक्ट करने का क्या है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक। रेस्ट्रिक्ट करने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन हम प्रिंसिपल ब्रांच के लिए रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो ये राइटर अपनी मन से लिख रहा है, और उनका नाम उन्होंने दे दिया कि ये इसका नाम है प्रिंसिपल ब्रांच। तो कॉसेक्स के ग्राफ को भी हम देखेंगे तो उसको भी रेस्ट्रिक्शन करने के बहुत सारे तरीके, लेकिन जो बुक वाला करता है कि जीरो से पाई तक ही वो रखना चाहता है। जीरो से पाई रखने से उसका वन वन और वन टू वाला कंडीशन पूरा सेटिस्फाई हो रहा है, और इसको चूज करने के लिए वो बिल्कुल फ्री है। टेन एक्स का क्या होता है, माइनस पाई बाई टू से लगा के पाई बाई टू तक होता है।
क्या होता है, 10x का माइनस पाई बाई टू से लगा के पाई बाई टू के बीच में होता है। तो 10x का हमारे पास आ गया माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, और इसमें से हम सिर्फ एक एक वैल्यू हम निकालेंगे, वो है हमारे पास जीरो। और कोटेक्स का क्या होता है, जीरो से पाई ओपन इंटरवल, और इसमें से हम निकालेंगे पाई बाय टू। नहीं नहीं ये थोड़ा सा आप यहाँ पे थोड़ा इम्प्रूव कीजिए, हम इनको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक, ये जीरो से पाई, इसमें हमें वैल्यू निकालने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑब्वियसली क्या हो रहा है कि जैसे कि 10x है, 10x का हमारे पास हो जाएगा, 10x में से इसको निकालने का ज़रूरत नहीं है। आप अगर ग्राफ में देखेंगे तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में ही आएगा। मैं उन पॉइंट्स यहाँ पर वो पॉइंट्स निकलेंगे, इन दोनों में से यहाँ से कोई पॉइंट निकलने वाला नहीं है रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में। हम इसमें से जीरो या पाई बाई टू हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि जीरो इसकी यहाँ पर जीरो इसके अंदर है और यहाँ पर आएगा। सेक एक्स में देखिए, सेक एक्स में क्या होगा, माइनस पाई बाई टू जीरो से लगा के पाई तक होगा, और जीरो से पाई से लेके मैं पाई बाई टू निकाल रहा हूँ। देखो वो ये पाई बाई टू मुझे यहाँ से निकालना था, मैं यहाँ से कोटेक्स से निकाल रहा हूँ। क्या होगा, जीरो से पाई ओपन इंटरवल और माइनस, इसमें से हम क्या निकाल रहे हैं, पाई बाई टू निकाल रहे हैं, क्योंकि पाई बाई टू इसके बीच में आता है और पाई बाई टू पर ये सेक एक्स फंक्शन डिफाइन नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान देने का जरूरत है कि पाई बाई टू पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो इसके डोमेन में ही नहीं तो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में क्यों आएगा ये पॉइंट। तो ये पॉइंट हम निकाल रहे हैं, इसका रीज़न आप यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो गए होंगे। पाई बाई टू हम यहाँ पे निकालेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे एन का वैल्यू अगर वन रखेंगे तो पाई बाई टू आएगा, तो पाई बाई टू तो सेक एक्स के डोमेन के अंदर ही नहीं है, तो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के अंदर तो आने की बात ही नहीं है। सिमिलरली कॉस एक्स का क्या होगा, वो आपके पास माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू चलेगा, और इसमें से हम कौन सा वैल्यू निकालेंगे, जीरो, क्योंकि जीरो यहाँ पर नहीं है। एन का वैल्यू जब जीरो होगा तो जीरो इसके अंदर तो आ रहा है लेकिन उसके डोमेन के अंदर नहीं आ रहा है, और डोमेन के अंदर नहीं आ रहा इसका मतलब हमको जीरो हटाना पड़ेगा, तो ये इसका रेस्ट्रिक्टेड डोमेन हो जाएगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, इसका डोमेन ये था, इसका रेंज ये निकल के आया, और अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने इसको रेस्ट्रिक्ट कर लिया। रेस्ट्रिक्ट करने के लिए आप बिल्कुल फ्री है, आप जिस तरीके से रेस्ट्रिक्ट करना चाहते कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो आपके पास जो फंक्शन मिल के बन के आता है वो आपके पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। तो अभी मैं इसको थोड़ा कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, इफ इट इज पॉसिबल। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात हो गई, अभी हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करना, और तो अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमको क्या करना है, जो हमने देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन को हमने रेस्ट्रिक्ट किया है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दो चीजें थी ना, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन और हमारे पास था रेंज, इन दोनों को आपस में एक्सचेंज हमको करना है। जब ये एक्सचेंज हो जाएंगे तो हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएंगे। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉलम बना रहा हूँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर आपके पास आएगा, उसका डोमेन क्या क्या होगा और यहाँ पे इसका रेंज क्या निकल के आएगा। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज है उन्हीं को हमको एक्सचेंज करना है। तो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा, रेंज लिखेंगे माइनस वन से वन, इसका माइनस वन से वन, टेन इनवर्स एक्स का रियल नंबर, इसका भी रियल नंबर, सेक एक्स का रियल नंबर में से माइनस वन वन ओपन इंटरवल बाहर आएगा, कॉस इनवर्स एक्स का भी आर में से माइनस वन से वन बाहर निकल के आएगा। रेंज क्या बनेगी, जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन था वही आपके पास आएगा। रेस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या था इसका, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। इसका क्या था, कॉस एक्स का जीरो से पाई। टेन इनवर्स का क्या था, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ओपन इंटरवल, यहाँ पे क्लोज इंटरवल, यहाँ पे ओपन। ओपन इसलिए ले रहे हैं कि टेन
एक्स जो होता है माइनस पाई बाई टू, और पाई बाई टू भी डिफाइन ही नहीं होता तो उन पॉइंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। कॉट इनवर्स का क्या हो जाएगा, जीरो और पाई, क्योंकि ये जीरो और पाई पर डिफाइन नहीं होता, ओपन इंटरवल ले रहे हैं। सेक इनवर्स का क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सेक इनवर्स का आपके पास हो जाएगा जीरो से लगा के पाई, और इसमें से हमने क्या निकाला है पाई बाई टू, क्योंकि पाई बाई टू पर वहाँ पर हमने रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में यही बनाया था, और ये आपके पास हो जाएगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और उसमें से हम निकाल रहे हैं जीरो। तो ये आपके पास हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डोमेन और रेंज। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डोमेन और रेंज के बारे में बताने वाला हूँ। होप दिस वीडियो विल हेल्प, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो, द नेक्स्ट कमिंग वीडियो, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो सब्सक्राइब करें, या सब्सक्राइब भी कर लिया है तो अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और आपको होप मैं ऐसे ही वीडियो आपको अवेलेबल कराता रहूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।